अभी हम लोग यहाँ पे एक ऐसा सी प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसमें हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं वेट को फ्रॉम किलोग्राम टू पाउंड। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे इसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है पाउंड इज इक्वल टू केजी मल्टीप्लाइड बाय केजी मतलब कि किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 2.20462। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रेडी है। तो अभी हम लोग इस फॉर्मूला को हमारे प्रोग्राम के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सिंपली अभी हम लोग यहाँ पे हमारी हेडर फाइल लिखेंगे जो कि हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद सिंपली हम लोग हमारे मेन फंक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी int main। तो अभी हम लोग हमारे मेन फंक्शन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे मैं फ्लोट टाइप के टू वेरिएबल्स लूंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंपली फ्लोट, एक में लूंगी केजी जिसमें हमारा यूजर इनपुट आएगा और दूसरा हम लोग जिसमें हमारा आंसर कैलकुलेट करने वाले हैं तो उसके लिए हम लोग लेंगे पाउंड। हम लोग यहाँ पे सिंपली प्रिंटएफ में आएंगे नीचे और लिखेंगे यहाँ पे एक सेंटेंस। तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ एंटर वेट इन केजी। यहाँ पे सिंपली हम लोग सेमी कोलन लगाएंगे और नीचे स्कैनएफ में आएंगे। हम स्कैनएफ का यूज यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूजर इनपुट ले रहे हैं। इसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे एड्रेस ऑफ केजी लिखेंगे और सिंपली यहाँ पे सेमी कोलन लगाएंगे और नीचे आके हमारा फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है पाउंड इज इक्वल टू केजी मल्टीप्लाइड बाय 2.20462। यहाँ पे सिंपली सेमी कोलन लगाएंगे और नीचे आएंगे और हमारे पाउंड को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंटएफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे सिंपली और यहाँ पे लिखेंगे मैसेज वेट इन पाउंडिंग्स। यहाँ पे सिंपली परसेंट एफ लिखेंगे क्योंकि हमारा जो आंसर है वो डेसिमल में आने वाला है और सिंपली यहाँ पे हम लोग पाउंड में आंसर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पाउंड लिखेंगे और सेमी कोलन लगाएंगे और नीचे आएंगे और सिंपली यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे मैं F9 प्रेस करके हमारे प्रोग्राम को रन करूंगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है एंटर वेट इन केजी। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग वेट डालेंगे 20 और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल रहा है जो कि है वेट इन अ पाउंड इज 44.092400। तो इसी तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ, अगर आपको आपका वेट कन्वर्ट करना है फ्रॉम किलोग्राम टू पाउंड, तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ इस प्रोग्राम के जरिए उसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।